अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर में, राशिद बोल रहा हूँ। 03024456 मेरा नंबर है। मैं इस वक्त लेक सिटी M7A और B में हूँ। यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे और ये रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। बहुत से हमारे क्लाइंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की है कि C1, M7C1 और C3 में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो न्यूली डिवेलप और बैलेटेड और पोजेशन प्लॉट्स हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनके बारे में उनको बताया जाए। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हमारे WhatsApp ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सामने आपको ट्रैक्टर्स और मशीनरी नज़र आ रही है, ये इस राउंड अबाउट से स्ट्रेट M7C1 को एक रोड दे रहे हैं। जैसे ये रोड ओपन होगा तो आपको M7A और B से गुजरना नहीं पड़ेगा, तो आप M7C1 और C3 और C4 और C2 को अप्रोच कर सकते हैं। ये इस वक्त मैं M7A में हूँ, जहाँ पे 7 मरले का प्लॉट तकरीबन 1.5 करोड़ माइनस प्लस है। और अगर आप यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 3.5 करोड़ माइनस प्लस में घर मिलता है। और M7B के अंदर आपको 1.10 से 1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है। और अगर आप वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट खरीदते हैं, ये जो सामने M7B है, तो यहाँ पे 5 मरले का घर जो है वो तकरीबन नया घर 2.5 करोड़ माइनस प्लस आपको मिलता है। ये जो मेन रोड है ये स्ट्रेट कनेक्ट करती है M7C1 और M7C3, C4 और C2 को। मेरी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको M7A और M7B नज़र आएगा। ये फुली डेवलप है, यहाँ पे घर बने हुए हैं। और ये M7B है मेरी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। तो मैं स्पेशली आपको कंस्ट्रक्शन सिचुएशन दिखाने के लिए M7C1 में लाया हूँ, ताकि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन सिचुएशन समझ आ सके कि यहाँ पे घरों की क्या क्वांटिटी है या कितने घर आप यहाँ पे। ये जो सामने आपको वाइट घर नज़र आ रहे हैं, ये 2 घर हैं 5 मरला के, और ये 2.60 करोड़ रुपए में एक बिल्डर जो है उसने बनाए हैं और ये फॉर सेल हैं। ये M7C1 का सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन देख लेते हैं, साथ में मैं आपको बताता हूँ अगर आप 5 मरला या 7 मरला घर M7C1 में या M7C3 में 7 मरला बनाते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेट ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कितने का बनता है। तो ये आप देख सकते हैं, पीछे आपको जो ज़्यादा घर नज़र आ रहे हैं वो M7A है, जहाँ पे 7 मरला के प्लॉट्स हैं, और उसके साथ M7B है, जहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और मैं इस वक्त हूँ M7C1 में, जिसका स्पेशली रिक्वेस्टेड क्लाइंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितने घर बन चुके हैं और क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं काउंट कर सकता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 15 के करीब घर जो हैं वो बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं M7C2 की जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे भी घर स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके 50 से 55 लाख रुपए उस पर कॉस्ट आएगी, और अगर आप 7 मरले का घर बनाते हैं तो वो तकरीबन आपके 70 से 75 लाख रुपए आपकी यहाँ पे कॉस्ट आएगी। अभी इस साइड पे आप देख सकते हैं ये M7C1 की स्ट्रीट्स में जिस तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट जारी है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये आपको जो डेवलप एरिया है लेक सिटी का, उस तरह आपको घर के साथ घर नज़र आएगा। ये बड़ा अच्छा टाइम है, जिस वक्त मैं डेवलप होना शुरू हुआ था मैं तब से आपको ये विज़िट करवा रहा हूँ और सुजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बेहतरीन जगह है। आज यहाँ पे घर बन रहे हैं और थोड़े घर हैं, आज भी मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आप तकरीबन 90-95 लाख से 1 करोड़ रुपए का अच्छा प्लॉट खरीदें और आप अपना बेहतरीन घर बना सकते हैं। 15 से 20 घर जो है वो M7C1 के अंदर बन रहे हैं, और आप यहाँ पे M7C1 में और C3 में
पांच और सात मरला घर जो है वो बना सकते हैं। तो M7C1 सबसे बेस्ट लोकेशन है, फिर C3 सबसे बेस्ट लोकेशन है। उसके बाद अगर आप बजटेड घर बनाना चाहते हैं, 15 से 20 लाख रुपए सस्ता प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप M7C2 में, और अगर आप 3 साल या 4 साल बाद घर बनाना चाहते हैं तो आप M7C4 का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि M7C4 अभी अंडर डेवलप है। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, एक घर ये बन रहा है इसी लेन में, दो घर जो हैं, बल्कि तीन घर जो हैं इस लेन में, इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साइड पे अगर आप देखें तो सामने दो घर ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, और इस साइड पे पांच मरला के 2.60 करोड़ रुपए में घर भी अवेलेबल हैं। तो ये आपको वीडियो जनरली जो मैं ब्लॉक के रेट्स वगैरह बताता हूँ उनसे हटके है, मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको दिखा रहा हूँ कि जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें यहाँ की सिचुएशन दिखाएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, जिसमें मैंने आपको ग्रे स्ट्रक्चर का तकरीबन रेट बताया। ये आप देख सकते हैं, एक ये घर बन रहा है, इस साइड पे देखें इसकी फाउंडेशन जो है वो उठाई जा रही हैं, और घरों की सिचुएशन यहाँ पे यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना घर स्टार्ट करें, बेहतरीन जगह पे आप एक प्लॉट लेके घर बना सकते हैं लेक सिटी के अंदर। M7C1 C3 C2 C4 एक बेस्ट जगह है, यहाँ पे पांच मरले के घर की जो है वो तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर 50 से 55 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, जो अच्छी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे आपको 40 से 45 लाख रुपए में भी ग्रे स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे मटेरियल के साथ बनाएंगे तो आपके 50 से 55 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, और 70 से 75 लाख रुपए आप 7 मरला के घर पे ग्रे स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, और तकरीबन इतना ही आप ऊपर फिनिशिंग के लिए जो है वो मुख्तस कर सकते हैं। इस साइड पे ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये ब्राउन घर जो देख रहे हैं और ये जो ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके दरमियान से वो राउंड अबाउट वाली रोड निकलेगी जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो ये इतना डिटेल में आपको बताने का मकसद ये है कि आपको एक तो कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन समझ आ जाए, और जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने प्लॉट्स पे घर बनाएं, और इसके अलावा आप अपने प्लॉट्स में जो है जो फॉर सेल भी हैं उनको आप होल्ड करें, 2 से 3 साल में आपको बेस्ट जो है वो रिटर्न भी देंगे। तो ये तकरीबन 20 एक घर जो है आपको नजर आएंगे M7C1 में, और अब हम जो है M7C3 में 7 मरला की कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। और M7C1 जो है इसमें 15 से 20 घरों की कंस्ट्रक्शन है, और जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारे क्लाइंट्स ने, उनके लिए ये मेरे ख्याल में एक मुफीद वीडियो होगी, अगर वो घर बनाना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 साल में आपको प्रॉपर M7A और B का जो है वो फील नजर आएगा। ये आप M7C3 देख सकते हैं, M7C3 का पार्क है, और पीछे आपको एक 7 मरला का घर जो है वो नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप M7C3 का विजिट करें तो इस साइड पे आपको दो घर इस साइड पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन है M7C3 में 7 मरला घर की या प्लॉट्स की, प्लॉट्स तो आपको यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए की रेंज में मिल जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे घरों की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे तकरीबन 4 घर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। दो घर आपको इस साइड पे नजर आ रहे हैं, एक घर हमने पार्क के बिल्कुल करीब देखा था, और एक घर ये उसकी बुनियादें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो, कंस्ट्रक्शन अपडेट से रिलेटेड वीडियो रिक्वेस्टेड हम ऐड कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनको प्रॉपर गाइड किया जा सके कि यहाँ पे अगर ये अपने प्लॉट्स को होल्ड करते हैं या घर बनाते हैं, बिल्डर्स के लिए भी एक बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, प्लॉट लेके आप घर बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट विजिट था M7C1 और C3 के अंदर कंस्ट्रक्शन अपडेट, और ग्रे स्ट्रक्चर में 5 मरला में तकरीबन अच्छी कंस्ट्रक्शन, ग्रे स्ट्रक्चर में 50 से 55 लाख रुपए कॉस्ट आती है, और 7 मरला के अंदर आपको
तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए कॉस्ट आती है। ये 7 मरला का घर है, तकरीबन 22 फुट इनका फ्रंट है और 64 डेप्थ है। इसी तरह 5 मरला का भी आपको इनका जो फ्रंट है वो मेरे ख्याल में 20 है और 55 इस टाइप की जो है वो डिमार्केशन है इनकी। मज़ीद आप सोसाइटी से बेस्ट चेक कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट वीडियो था स्मार्ट रियल इस्टेट के चैनल से। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह आपको इसी तरह अपडेट रखेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई मज़ीद रिक्वेस्टेड वीडियोस हुई या किसी ब्लॉक में लोग इंटरेस्टेड हुए तो हम आपको स्पेसिफाइड उसका विज़िट करवाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।